Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do chapter 15, the future tense. So, all of you, please get ready with your grammar book and open page number 73, chapter 15, the future tense. Now, let's see what is future tense. We use the future tense for things that have not happened yet but are going to happen in future. फ्यूचर दैट मीन्स जब हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं देन इनमें जो इवेंट्स होते हैं जो एक्शंस होते हैं वो आपके फ्यूचर में होने वाले हैं दैट मीन्स जो एक्शंस है इवेंट हैं वो अभी नहीं होंगे वो आपके भविष्य में होंगे आपके फ्यूचर में होंगे ओके सो दैट इज द फ्यूचर टेंस टू फॉर्म द फ्यूचर टेंस द वर्ब्स शैल एंड विल आई यूज़ एज हेल्पिंग वर्ब्स और यू कैन से ऑक्सरी वर्ब्स दैट मीन्स जब सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं फ्यूचर टेंस में देन जो वर्ब्स हम यूज करते हैं मीन्स जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं लाइक शेल एंड विल ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम सेंटेंसेज को फ्यूचर टेंस में बनाते हैं ओके सो इन फ्यूचर टेंस वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स सो दे आर शेल एंड विल सो दिस पॉइंट रिमेंबर ओके शैल मीन्स हम यूज़ करते हैं वेन वी आस्क इंफॉर्मेशन जब हम किसी से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वन वी वॉन्ट टू टेक सम एडवाइस जब हम किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं या फिर कोई सजेशंस लेना चाहते हैं देन दैट केस वी यूज़ शैल उस केस में आप शैल यूज़ करते हैं ओके शैल हम ज़्यादातर फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं ओके फॉर्मल वे में हम शैल यूज़ करते हैं विल हम यूज़ करते हैं जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं ओके मोस्टली विल हम यूज़ करते हैं कैजुअल में वे में जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या फिर फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली फ्यूचर को जो हम डिस्क्राइब करते हैं देन वी से विल जब हम कोई प्रिडिक्शंस करते हैं फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं वहाँ पे भी हम विल यूज़ करते हैं प्रॉमिस अगर आप किसी से कुछ कर रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं देन इन दैट केस वी यूज विल ओके सो बेसिकली शैल हम यूज़ करते हैं फॉर्मल वे में जब हम सजेशंस लेते हैं या फिर किसी को इंफॉर्मेशन देना हो या किसी से इंफॉर्मेशन लेना हो या कोई एडवाइस देनी हो सो इन दैट केस वी यूज़ शैल विल हम यूज़ करते हैं कैजअल वे में ओके okay? रिक्वेस्ट देना हो फ्यूचर के बारे में डिस्क्राइब करना है प्रडिक्शंस करने हैं प्रोमिस करने हैं ऑफर्स देने हैं देन वी यूज़ विल ना हम मूविंग टू एग्जाम्पल्स द वर्कर्स विल फिनिश द जॉब नेक्स्ट वीक दैट मीन जो वर्कर्स हैं वो अपने काम को विल फिनिश वो अपने काम को फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट वीक तक ओके okay? सो so, आप बता रहे हो कि नेक्स्ट वीक तक उनकी वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे विल फिनिश फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक मीन्स अभी वो वीक आया नहीं है आने वाला है आपके फ्यूचर में नाउ सीधा नेक्स्ट पॉइंट इट विल रेन दिस आफ्टरनून ओके कि इस आफ्टरनून ये जो आफ्टरनून अब होगा उसमें बारिश जरूर होगी इट विल रेन नाउ मीन्स यहाँ आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो डैट्स वाई यू हैव यू विल ओके नेहा इसल शे विल नॉट बी एट द पार्टी नाओ सीधा नेक्स्ट पॉइंट आई विल बी बैक फॉर डिनर आई शैल डू माई होम वर्क आफ्टर डिनर दैट मीन्स आई शैल आपने शैल यूज़ किया सो यू कैन सी जो आपका एग्जाम्पल आई विल बी बैक फॉर डिनर यहाँ आपका सब्जेक्ट आई था नाउ इन द सेकेंड योर सब्जेक्ट इज आई अगेन बट आपने यहाँ शेल यूज़ किया ओके द सेंटेंस इज आई शैल डू माई होमवर्क आफ्टर डिनर कि होमवर्क मैं करूँ करूँगी या करूँगा डिनर के बाद ओके okay? सो so, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एक दे रहे हैं फॉर्मल वे में आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सो दैट्स वाई यू हैव यूज शैल सो आई के साथ हम विल भी यूज करते हैं शैल भी यूज करते हैं डिपेंड करता है कि आपकी सेंटेंस कैसे हैं इन द अबव एग्जाम्पल शैल एंड विल आर यूज एज द हेल्पिंग वर्ब्स ओके सो फ्यूचर टेंस में आप बात कर रहे हैं सेंटेंसेज आपके फ्यूचर टेंस में हैं यहाँ पे आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो है शैल एंड विल

शायल हम यूज़ करते हैं आई वी विल हम यूज करते हैं प्रोनाउंस के साथ फॉर एग्जाम्पल यू शी ही इट एंड दे नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट वी ऑल्सो यूज विल विथ सिंगुलर नाउंस एंड प्लूरल नाउंस दैट मीन्स विल हम तब भी यूज करते हैं सिंगुलर नाउंस के साथ भी एंड प्लूर नाउन के साथ भी फॉर एग्जाम्पल ही विल बी एट होम लेटर दे विल गिव दे विल गिव यू अ प्रेजेंट राज गो टू स्कूल टमोरो रवि एंड मेधा विल अटेंड योर बर्थडे ओके नाउ सी द लास्ट सेंटेंस रवि एंड मेधा सो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दो हैं मीन्स डैट मीन्स यहाँ पे प्लूरल नाउंस आप यूज दो सब्जेक्ट्स हैं देन ऑल्सो यू आर यूजिंग विल दैट मीन्स विल्स हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउंस के साथ भी एंड प्लूरल नाउंस के साथ भी ओके लाइक दे दे विल दे विल गिव यू अ प्रेजेंट ओके दे आपका प्लूरल है देन ऑल्सो यू आर यूजिंग विल नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वी कैन यूज द सिंपल प्रजेंट टेंस टू एक्सप्रेस फैक्ट्स इन द फ्यूचर एंड टू टॉक अबाउट प्लांस दैट विल नॉट चेंज दैट मीन्स हम फ्यूचर टेंस में सिंपल प्रजेंट टेंस को भी यूज़ करते हैं ऐसे सिंपल प्रजेंटेंस जो बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में जो आपके फ्यूचर में होने वाले या फिर ऐसे प्लान्स के बारे में जो आपके फ्यूचर में होंगे एंड वो प्लान्स आपके चेंज नहीं होंगे ओके फॉर एग्जाम्पल टमोरो इज संडे कल क्या है संडे है दिस थिंग यू कैन नॉट चेंज ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते हो ये फैक्ट आप कभी नहीं चेंज करोगे बट आप बात क्या कर रहे हो फ्यूचर के बारे में द सेकेंड टर्म एंड्स ऑन फ्राइडे जो हमारा सेकेंड टर्म है वो एंड होगा फ्राइडे को दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ये चीजें भी आप चेंज नहीं कर सकते ये बिल्कुल वही रहेगा फ्यूचर में भी वी फ्लाई टू पेरिस ऑन थर्सडे दैट मीन्स हम फ्लाई करेंगे पेरिस के लिए थर्सडे को सो दिस प्लान विल नॉट चेंज ये आपका जो प्लान है फ्यूचर के बारे में ये आपका चेंज नहीं होने वाला है नाउ हियर इज अ टेबल

सो आई एम द फर्स्ट पर्सन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सो so, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ सेकेंड पर्सन मीन्स जो सुन रहा है मीन्स आप सुन रहे हो सो so, आप क्या हो आप सेकेंड पर्सन हो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है ओके okay? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो दैट इज़ योर थर्ड पर्सन नाउ सी द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन मीन्स आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई शैल आई विल दैट मीन्स आई के साथ आप शैल भी यूज़ करते हैं विल भी यूज करते हैं, डिपेंड होता है कि आपका जो सेंटेंस है से वो क्या कह रहा है नाओ सीधा नेक्स्ट पॉइंट प्लूरल वी वी आपका फर्स्ट पर्सन है वी के साथ आप शैल भी यूज करते हो एंड विल भी यूज करते हो ना मूविंग टू सेकेंड पर्सन यू विल यू विल दैट मीन्स यहाँ आप यू के साथ विल ही यूज़ करते हैं नाओ सीधा थर्ड पर्सन वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ही सिंगुलर नाउंस नाउ मूविंग टू प्लूरल देर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लर्न दीज शॉर्ट फॉर्म सो दीज ऑल शॉर्ट फॉर्म यू हैव टू लर्न आई शेल आई शेल को आप कैसे लिखते हैं ये सारे शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ लीजिए वे विल यू वि इट विल वी शेल वी विल दे विल शेल नॉट विल नॉट ओके सो दीज शॉर्ट फॉर्म्स यो ऑल हैव टू लर्न नाम मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज देअर आर अदर वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शंस एंड हैपनिंग्स वी कैन ऑल्सो यूज गोइंग टू दैट मीन्स हियर द सेंटेंस इज दैट ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके फ्यूचर एक्शंस के बारे में बताते हैं सो so, वहाँ पे आप गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ गोइंग टू फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई एम गोइंग टू बी सिक सो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मैं अब सिक हो जाऊँ ओके सो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे फ्यूचर एक्शन्स के बारे में बात हो रही फ्यूचर हैपनिंग के बारे में बात हो रही कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है बट यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया है हियर यू आर यूजिंग गोइंग टू Now, see the next point. Mohit and Ritu are going to wash the car for their father. We are going to market. We are going to make a lunch this afternoon. That means we are going to make a lunch this afternoon. So, here you have used going to. गोइंग टू आपको कैसे यूज़ करना है गोइंग टू भी आपका रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर एक्शंस को फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं फ्यूचर में क्या हैपन होने वाला है सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स दैट वेयर टू यूज द हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करने हैं दैट मीन्स शैल कहाँ यूज करोगे आप विल कहाँ यूज करोगे सो यू हैव टू लर्न द टेबल That table will help you in doing the exercises. If you feel any doubt, you can ask me in a comment section below the video. Thank you, students. Have a nice day.